हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 में स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। इसमें हमने सबसे पहले, हमारे पास मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हम ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो वो ए के इक्वल आ जाए। ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो हम कहेंगे ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, यानी माइनस कॉमन लेने से फिर उसके इक्वल आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह नेक्स्ट एक इसकी टाइप है हार्मिशियन। हार्मिशियन मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुलेट लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, फिर वो ए के इक्वल आए। कॉन्जुलेट का ट्रांसपोज लेने से वो ए मैट्रिक्स बन जाए तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हार्मिशियन है। और स्क्यू हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन में होगा कि अगर हम ए कॉन्जुलेट का ट्रांसपोज लें वो माइनस ए के इक्वल आए तो हम कहेंगे स्क्यू हार्मिशियन है। इस एक्सरसाइज में ये चार चीज़ें हैं जो हमें यूज़ होंगी। नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ रहा है तो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक है, ए का कॉन्जुलेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है तो हार्मिशियन है, ए कॉन्जुलेट का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा है तो स्क्यू हार्मिशियन है। अब जो इसी तरह जो इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। ए के एलिमेंट हैं 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 एंड 0, एंड बी मैट्रिक्स है -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 एंड 2। तो इसमें से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, यानी अगर मैं ए प्लस बी करूं तो ये सिमेट्रिक है। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लूं वो ए प्लस बी के ही इक्वल आए तो फिर हम कहेंगे कि ए प्लस बी सिमेट्रिक है। कोई भी मैट्रिक्स हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही चीज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो जब मैं ए प्लस बी फाइंड करूँगा, ए में से 1 में से -3 प्लस करूँ तो -2 आ रहा है, -2 में से 1 प्लस करूं -1 आ रहा है, 5 में से 2 माइनस करूं 3 आ रहा है, -2 में से 1 करूं -1 आ रहा है, 3 में से 0 करूं 3 आ रहा है, -1 में से -1 ऐड करें -2 आ रहा है, 5 में से -2 ऐड करें 3 आएगा, -1 में से -1 करेंगे -2 आएगा, 0 में से 2 ऐड करेंगे 2 आएगा। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया है। हम क्या फाइंड करेंगे? a प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर मैं a प्लस बी अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो ट्रांसपोज लेने से -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 एंड 2। ये देखें कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी के एलिमेंट है -2 -1 3 -2 -1 3 -1 3 -2 -1 3 -2 3 -2 एंड 2 3 -2 एंड 2। यानी जो a प्लस बी है उसका ट्रांसपोज लेने से भी a प्लस बी का मैंने ट्रांसपोज लिया है वो a प्लस बी के इक्वल आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट, अगर इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू में हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर टू में ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 0 3 2 -1 -1 3 एंड 2। इसमें हम ये चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक कैसे होगा अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम a प्लस a का ट्रांसपोज लें तो a प्लस a ट्रांसपोज के इक्वल आए। यानी अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ दोबारा यही चीज़ आएगी तो फिर मैं कहूँगा ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स तो गिवन है, मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो 1, 2, 0, 3, 2, -1, -1, 3 एंड 2, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। यानी अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए में से ए का ट्रांसपोज ऐड करता हूँ, 1 में से 1 ऐड करूँगा तो 2 आएगा, 2 में से 3 ऐड करूँगा 5 आएगा, 0 में से -1 ऐड करूँगा -1 आएगा। देन अगर मैं 2 में से 3 ऐड करूँ 5 आएगा, 2 में से 2 ऐड करूँ 4 आएगा, 3 में से -1 ऐड करूँ 2 आएगा, -1 में से 0 ऐड करूं -1 आएगा, 3 में से -1 ऐड करें 2 आएगा, 2 में से 2 ऐड करें 4 आएगा। यानी मैंने a में से उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया है। ये ऐड कैसे करते हैं, हर एलिमेंट में से उसके दूसरा एलिमेंट ऐड कर देते हैं, सेम हमने इसी तरह किया है, हर एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास a प्लस a ट्रांसपोज आ गया। तो हमने तो ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर मैं a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूँ तो वो दोबारा a प्लस ट्रांसपोज के ही इक्वल आना चाहिए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2, रो को कॉलम में लिखने लगा हूँ, 2, 5, -1, 5, 4, 2, -1, 2 एंड 4। तो अगर हम ये देखें कि जो a प्लस a ट्रांसपोज है वही a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, यानी मैंने a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है तो वो a प्लस a ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया है। तो जब हम a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो a प्लस a ट्रांसपोज के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस a ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। यानी a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक्स, यानी a प्लस a ट्रांसपोज हमने लिया वो सिमेट्रिक्स के इक्वल प्रूव हो गया। अब अगर इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देखें, इसके सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि जो a माइनस a ट्रांसपोज है, a माइनस a ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सेकेंड पार्ट में हम ये इसमें फाइंड करेंगे a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है कि अगर मैं a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूं तो वो माइनस a ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। यानी अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ माइनस कॉमन लेने से वो उसके इक्वल आए तो फिर हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे a माइनस a ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। a माइनस a ट्रांसपोज कैसे आएगा, a में से a ट्रांसपोज माइनस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 1 में से 1 माइनस करें 0, 2 में से 3 माइनस करें -1, 0 में से -1 करें +1, 3 में से 2 माइनस करें 1, 2 में से 2 माइनस करें 0, -1 में से 3 माइनस करें -4, -1 में से 0 माइनस करें -1, 3 में से -1 करेंगे तो +4, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। ये हमारे पास a माइनस a ट्रांसपोज आया है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेता हूँ
तो जब मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, जीरो माइनस वन 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 जीरो फोर माइनस वन फोर एंड जीरो। ए माइनस ए ट्रांसपोज मैंने लिया है तो वो ए माइनस ए के इक्वल नहीं आ रहा। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँ, मैंने लिया है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लूँ तो ज़ीरो वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन ज़ीरो माइनस फोर माइनस वन प्लस फोर एंड ज़ीरो। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि साइन जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगे। अगर मैंने माइनस इसमें कॉमन ले रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि जो प्लस के साइन है वो माइनस के हैं। ये ज़ीरो माइनस, ये प्लस का वन था माइनस वन हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, सेम हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब अगर मैं माइनस कॉमन लेने से ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने से, या अगर मैं ये देखूँ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या था, ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो माइनस वन 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 ज़ीरो माइनस फोर वन ज़ीरो माइनस फोर माइनस वन फोर ज़ीरो माइनस वन फोर ज़ीरो, तो ये मेरे पास क्या बन गया है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज का मैंने ट्रांसपोज लिया है तो वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है इज स्क्यू सिमेट्रिक, जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें ये कह रहा है इफ ए इज एनी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, कि ए हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। ऑर्डर थ्री का मतलब है थ्री बाई थ्री का स्केयर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो कॉलम इक्वल होते हैं, तो थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स हम लेंगे। तो इसमें हमने ये चीज़ प्रूव करनी है फर्स्ट पार्ट में, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हम ले रहे हैं तो वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ए ट्रांसपोज है इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज लूँ तो वो ए के इक्वल आता है, तो ये मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। यानी मैंने a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो हम इसे कह सकते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि जो a प्लस ए ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक आया है। सेकेंड पार्ट में हमें ये कह रहा है कि हम आप ये प्रूव करें कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, हम ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ये माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, ये मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल होता है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। यानी मैंने a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है तो वो a माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो a माइनस ए ट्रांसपोज है इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि जो a माइनस ए ट्रांसपोज है ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या आया है, स्क्यू सिमेट्रिक आया, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से वो वाला मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर फोर है,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें ये कह रहा है, इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स एंड ए बी इक्वल टू बी ए, शो डैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमें कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, एक कंडीशन तो इसने ये दी हुई है कि जो ए और बी हैं ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हैं, और साथ उसने ये भी बता दिया है कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है, शो डैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमने ये चीज़ शो करना है कि जो ए बी है ना इज सिमेट्रिक है। हाँ जी, इसमें अगर हम ये देखें, हमें उसने बताया हुआ है कि जो ए और बी हैं वो सिमेट्रिक हैं, तो हमें पता है कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। इफ बी इज सिमेट्रिक, अगर बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है बी ट्रांसपोज जो है वो भी ए के इक्वल है। तो हमने इसमें क्या, हम इसमें ये प्रूव करेंगे कि ए बी इज सिमेट्रिक। जब ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लूं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए बी का ट्रांसपोज लूं तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। अब अगर मैंने ए बी का जो ट्रांसपोज है, हम ये चीज़ पहले ही प्रूव कर, हमने बता दिया कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा तो वो बी के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है मैं बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकता हूँ, तो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ए के इक्वल आ गया। अब कंडीशन ये है कि जो ए बी है वो भी बी ए के इक्वल है, सेकेंड कंडीशन उसने हमें ये बताई हुई है, जो बी ए है वही ए बी है, दोनों इक्वल हैं। वैसे इक्वल नहीं होते मैट्रिक्स में, ये कंडीशन है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि जो ए बी है वही बी ए है, तो इसका मतलब है मैं अगर ए बी का ट्रांसपोज लूँ तो बी ए की प्लेस पे मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। अगर ए बी का ट्रांसपोज लेने से वो ए बी बन गया है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही चीज़ बन रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव।